Hello everyone, welcome again. Myself Vinay Pandey. Students, statics or dynamics, जो mechanics का maths का paper है, इस paper में कुछ chapters मैंने starting से जो solve किए हैं, जिन chapters के बारे में आपको बताया है, उन chapters के बारे में आपको पहले मैं बता दूँ, हमने कौन-कौन से chapters कर लिए थे? हमने कॉमन कैटनरी वाला चैप्टर किया था स्ट्रिंग्स इन टू डायमेंशंस, हमने वर्चुअल वर्क कर लिया है, हमने सेंट्रल ऑर्बिट कर लिया है, हमने रेक्टिलिनियर मोशन इन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। आज का जो नया चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो चैप्टर है मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। पहले इस चैप्टर के बारे में देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी और उसके बाद हम कुछ एक दो डेरिवेशन इसके सॉल्व करेंगे। पहले हम बात करें मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में आपको काफी डिटेल में पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। रेजिस्टिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें रेजिस्टेंस वर्ड आ रहा है। रेजिस्टेंस वर्ड कहाँ यूज होता था? किसी भी बॉडी का जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। नॉर्मल स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, हमने रेजिस्टेंस हमने लाइट के टर्म्स में पढ़ा हुआ था, तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, मोशन में लग रहा है। अगर किसी बॉडी का मोशन है उसमें अपोजिट फोर्स लग रहा है जो उसके मोशन का अपोज कर रहा है उसको हम मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम कहते हैं। फिलहाल अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर हम एक बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं तो बॉल को ऊपर उछालने पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे हम यहाँ से ऊपर को उसको उछालेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बॉल का जो मोशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जिस पॉइंट पे वो बॉल रुक करके फिर से नीचे को मोशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या रहा है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर को जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें, और भी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये फोर्सेस जो लगते हैं उस बॉडी के मोशन का अपोज करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है बॉडी का जो स्पीड है वो एक टाइम इंटरवल के बाद कम हो जाती है। तो इस तरीके के मोशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये होता है मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, इफ अ पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, मतलब एक पार्टिकल ऊपर से नीचे को अगर फॉल कर रहा है इन अ रेजिस्टिंग मीडियम, रेजिस्टिंग मीडियम मैंने आपको बताया कैसा मीडियम होगा, देन द वेलोसिटी v, कैपिटल v से डिनोट करते हैं इसको, व्हेन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज जीरो इज कॉल्ड द टर्मिनल और लिमिटिंग वेलोसिटी। अगर कोई भी रेजिस्टिंग मीडियम में कोई भी बॉडी कोई भी पार्टिकल अगर फॉल कर रहा है उस केस में जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, अगर हम बात करें जो बॉडी का मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जीरो हो गया, उस केस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी रही होगी उस पार्टिकल की वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अभी डेरिवेशन में भी आगे यूज करेंगे हम। अगर रेजिस्टिंग मीडियम में कोई भी पार्टिकल फॉल कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स में अंडर ग्रेविटी, उस केस में जिस पॉइंट पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो अगर जीरो हो जाए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, उस केस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी रही होगी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल वी से। अब आइए देखते हैं इसमें कैसे हमको थ्योरम्स करनी है और फिर कैसे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे बाद में। देखिए जो पहला डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में क्या दिया हुआ है, पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी सपोज्ड कॉन्स्टेंट इन अ रेजिस्टिंग मीडियम हूज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। रेजिस्टेंस का अभी देखते हैं, पहले जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाते हैं। पार्टिकल इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, हमने इसके मोशन में पाथ में एक पॉइंट ले लिया पी और इस केस में इसकी वेलोसिटी हमने मान ली वी। ये पार्टिकल का डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इस केस में इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो। तो ये ओ पॉइंट लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इसके साथ साथ
किसी भी मैंने रेक्टिलिनियर मोशन के जो प्रीवियस वीडियोस थे वहां पे भी बताया था कि मोशन अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको उसके पाथ में एक पॉइंट पी लेना पड़ेगा. वो पी पॉइंट हमने इसकी एक्स डिस्टेंस से ले लिया है. ये पी पॉइंट आप इसके पाथ में कहीं पे भी ले सकते हैं और इस पी पॉइंट पे हमने वेलोसिटी क्या मान ली, स्मॉल वी. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है ये. देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स पार्टिकल का मास हम स्मॉल एम मान लेते हैं तो एक एम जी फोर्स तो नीचे को वर्क करेगा. अब आप देखिए जो पहले के वीडियोस थे वहां भी आपको बताया था कि अगर एक्स के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एम जी लग रहा है तो पॉजिटिव साइन और डिक्रीजिंग डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो माइनस का साइन लेते हैं हम. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होगी, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन. ये फोर्स है, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, हमेशा आपको रेस्टिंग मीडियम में ऐसा ही करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन जो ये फोर्स है. अब आप इसमें देखिए कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है एम जी और एक फोर्स कैसा लग रहा है, रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. रेजिस्टेंस जो है वो जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इसके. अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है के. और ये तो एक्सेलरेशन है क्योंकि हम मास भी ले रहे हैं यहाँ पे, तो मास लेने पे क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, एम भी आएगा. तो के वी स्क्वायर हो गया और इसके साथ साथ मास भी आएगा क्योंकि हम अभी फोर्स की बात कर रहे हैं. तो हो क्या रहा है, ये रेजिस्टेंस है, दो तरीके के फोर्सेज हैं. एक फोर्स तो एम जी वाला फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे को लगेगा ही लगेगा, और उसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस फोर्स है जो क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम. तो रेजिस्टिंग मीडियम में मैंने आपसे कहा कि एक अपोजिट फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस वाला फोर्स लगेगा, वो फोर्स ये है. क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला फोर्स है तो इसमें साइन आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव. तो ये टोटल फोर्स था जो बॉडी में लग रहा था और ये फोर्स है जो जनरल इक्वेशन होती है. तो ये फोर्स को हमने इक्वेट कर देना है रेजिस्टिंग मीडियम में. आपको ऑलमोस्ट डेरिवेशन में यही करना है, यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है वो और टोटल जितने फोर्सेस लग रहे हैं क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. एम हट जाएगा तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से जी कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस के अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन. टर्मिनल वेलोसिटी को हमने क्या माना था, जो मैं अभी डेफिनेशन बताई थी आपको, उसको कैपिटल बी. और इस टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है. अभी डेफिनेशन में आपको बताया कि दोनों वैल्यू अगर हम यहां रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जी वन माइनस के अपॉन जी और स्मॉल बी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल बी. तो यहां से ये राइट साइड में आएगा तो वन अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया के अपॉन जी. इस वन अपॉन वी स्क्वायर के अपॉन जी, ये के अपॉन जी जो यहां पे आ रहा है, इस के अपॉन जी की वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी वन माइनस के अपॉन जी की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल बी स्क्वायर. तो हो जाएगा स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर. इसका एलसीएम ले लेते हैं तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर और कैपिटल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर. कैपिटल बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल बी है टर्मिनल वेलोसिटी और स्मॉल बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आपको लेनी पड़ेगी. ये इक्वेशन नंबर टू. इस डी स्क्वायर एक्स को एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स. ये आपको मैंने रेक्टिलिनियर मोशन में भी बताया था. वी का मतलब क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, और डी बाई डी एक्स वी का मतलब क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी. तो ये डी एक्स और ये डी एक्स कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी डी वी अपॉन डी एक्स जी अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट करना है, आपको इक्वेशन निकालनी है. तो ये जो इक्वेशन टू है इसको मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं.
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा था, जी अपॉन वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू थी हमारी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये कैपिटल, ये कैपिटल स्मॉल है, और यहाँ क्या बच रहा है, जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी इक्वेशन में हम माइनस टू से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस टू से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट अगर हम करेंगे, आप देखिए इस, ये कैपिटल भी तो कॉन्स्टेंट है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट आप करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका जीरो और स्मॉल वी स्क्वायर का क्या होगा, माइनस टू वी डी वी। तो अगर किसी भी टर्म का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में आता है तो उसके इंटीग्रेशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग में, लॉग वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर प्लस एक कॉन्स्टेंट हमने ले लिया इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट लॉग ए, और यहाँ ये इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, टू जी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सॉरी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। अब आप इनिशियल कंडीशन लगा करके ए की वैल्यू निकालेंगे, एट पॉइंट ओ वी की वैल्यू क्या है इस केस में, जीरो, और एक्स क्या रहेगा इस पे, एक्स नीचे को बढ़ रहा है तो एक्स यहां पे क्या रहेगा, जीरो। दोनों वैल्यू यहां रखेंगे तो हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस लॉग ए, एक्स जीरो रखेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो लॉग ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग कैपिटल वी स्क्वायर। इस वैल्यू को फिर से यहां रखते हैं तो लॉग वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर माइनस लॉग कैपिटल वी स्क्वायर माइनस टू जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर अपॉन सॉरी टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्या किया है, इसमें लॉग में इसका रेसिप्रोकल किया है, लॉग में रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया कि अगर रेसिप्रोकल हम लॉग में करते हैं तो आगे माइनस का साइन आता है, और ये माइनस का साइन आ रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अब क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, अगर हम लॉग हटाते हैं तो ये ई की पावर में आ जाएगा, और इसको यहां अपॉन में लेके आते हैं, अपॉन में आएगा तो ऊपर जाकर भी ई की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो हो जाएगा वी स्क्वायर ई की पावर माइनस टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। इसको इधर लेकर के आते हैं, स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए की पावर कितनी हो गई, ये आ जाएगी, तो स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर कॉमन वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, हमको क्या करना है, मोशन को डिस्कस करना है। मोशन को डिस्कस करने का क्या मतलब होता है कि हमको वी और एक्स में रिलेशन निकालना है, एक्स और टी में रिलेशन निकालना है, इस तरीके से हमको अलग अलग वेरिएबल में रिलेशन निकालना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो आपको क्वेश्चन में दी होगी, जैसे कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जाए कि एक पार्टिकल अंडर ग्रेविटी रेस्टिंग मीडियम में जा रहा है जिसमें उसकी जो वेलोसिटी है सॉरी जो एक्सेलरेशन है वो उसके स्क्वायर के वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो आपको अगर किसी x इक्वल टू 10 मीटर पे उस पार्टिकल का की स्पीड अगर निकालनी तो x की जगह पे आप क्या रख देंगे 10, जी की वैल्यू आपको बताई रहती है और कैपिटल वी आपको क्वेश्चन में दिया होगा टर्मिनल वेलोसिटी, तो आप किसी भी डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर x दिया होगा तो आप स्मॉल v निकाल सकते हैं, या अगर आपको v दिया होगा वेलोसिटी दी होगी तो आप x निकाल सकते हैं। अब फिर से इक्वेशन 2 का यूज करेंगे हम और अदर वेरिएबल में रिलेशन फाइंड करते हैं। ये रिलेशन v और x में था, स्मॉल v और x में, अब हम अदर रिलेशन फाइंड करते हैं और फिर से हमको दोबारा से उसी इक्वेशन 2 पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इक्वेशन अलग से लिखी है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं इसको हम, जो कि जी अपॉन वी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी वी के अपॉन में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर और जी अपॉन वी स्क्वायर, ये हो गया डी टी। मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है सिर्फ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अब आपको इसको इंटीग्रेट कर लेना है, और इंटीग्रेट करके आपको, आप इसमें वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या क्या आ रहे हैं,
वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको जो रिलेशन है वो रिलेशन के बारे में भी पता लगेगा कि आपको रिलेशन एक्चुअल में मिल गया है, क्योंकि रिलेशन की हेल्प से ही हम जो मोशन है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं इसका। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको अदर अदर जितने वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला dx अपॉन, ये तो कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2a, 1/a, यहाँ a का मतलब क्या है कॉन्स्टेंट के यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा लॉग v प्लस v अपॉन v माइनस v। हमने ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से हमको ये वैल्यू मिल गई है, और यहाँ क्या आ जाएगा जी टी अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि टी का डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमको ये वैल्यू मिल गई, एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट जिसमें बी ले लेते हैं। अब आपको फिर से जो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे मिल रही है, फिर से दोबारा से आपको उस ओ पॉइंट पे जाना पड़ेगा, एट पॉइंट ओ इनिशियली टाइम क्या रहा होगा जीरो, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है जीरो। ये कंडीशन अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए बी प्लस वन अपॉइंट टू वी लॉग, वी की जगह पे जीरो रखेंगे तो वी अपॉन वी बचेगा, ये वन हो जाएगा और ये तो जीरो हो गया। लॉग वन कितना होता है जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको जीरो। इस बी की वैल्यू को हमको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है फिर से, तो वन अपॉन टू वी लॉग वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी, ये हो गया जी टी अपॉन वी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। दोनों में ऊपर नीचे अगर हम वी कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वन प्लस वी अपॉन वी और वन माइनस वी अपॉन वी, और ये हो गया जी टी अपॉन वी स्क्वायर। मैंने क्या किया है, दोनों में ऊपर नीचे कैपिटल वी को कॉमन ले लिया है, और ये देखिए आप इस वी से इस वी को हम कैंसिल कर सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वी अपॉन टू जी लॉग वन प्लस वी अपॉन वी वन माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आ गया टी। ये आपका रिलेशन किस में आ गया, टी और वेलोसिटी में, टाइम और वेलोसिटी में। इस लॉग वाले फॉर्मूले को आपको पता होगा, इसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये जो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, और इसके साथ कुछ इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम लिख सकते हैं वी अपॉन जी वन बाई टू लॉग वन प्लस वी अपॉन वी और वन माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू टी आर। तो किसी भी टाइम पे आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी वेलोसिटी अगर आपको दिए तो उस केस में आप टाइम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो स्मॉल वी और टी में हमने रिलेशन फाइंड कर दिया, आप इस फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं और इसको आप अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको हम जी अपॉन वी टैन, ये जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल बी अपॉन बी इज इक्वल टू टी हो जाएगा। आप इतने में भी इस फॉर्मूले को छोड़ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स वी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ गया टी वी कैपिटल वी है टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन जी, तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टैन हाइपरबोलिक बन जाएगा टी वी अपॉन जी, और ये जो भी है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमने किस में फाइंड कर दिया, टी और वेलोसिटी में, यानी कि किसी भी टाइम पे टी अगर आपको दिया हो, जी आपको बता रहता है टर्मिनल वेलोसिटी भी दी होगी, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हो। तो पहला रिलेशन हमने फाइंड किया, अब दूसरा रिलेशन हमने वी और टी में फाइंड कर दिया, अब हम एक तीसरा रिलेशन भी इसका फाइंड कर लेते हैं एक्स और टी में, जिससे हम इस पार्टिकल का पूरा मोशन डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो देखिए एक्स और टी में रिलेशन फाइंड करने के लिए हमने एक स्मॉल बी और टी में रिलेशन निकाला था, एक स्मॉल बी और एक्स में रिलेशन निकाला था, ये दोनों बी के टर्म्स में है, तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये भी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी टी अपॉन जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वी स्क्वायर वन माइनस ई की पावर माइनस टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये दोनों हमने डेरिवेशन अभी कर लिए हैं। अब आप इसमें देखिए जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो क्या गए हैं, जी कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी आपके पास, वी टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी, वेरिएबल इसमें टी है और दूसरा एक्स है, एक्स और टी में हम रिलेशन निकाल रहे हैं इसका, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
इसको आप इधर लेकर के आइए, e की पावर माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर vt अपॉन g। आप चाहे तो इस पूरे डेरिवेशन को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा sec हाइपरबोलिक स्क्वायर vt अपॉन g, और ये हो गया e की पावर माइनस 2gx अपॉन v स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये e की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यहां हम रेसिप्रोकल करेंगे तो e की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां हम ये कह सकते हैं कि इसको यहां अपॉन में ले आए, इसको यहां अपॉन में लेके आएंगे, तो ये e की पावर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये 1 अपॉन sec क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर vt अपॉन g। e हटाएंगे तो log आ जाएगा, तो 2gx अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log cos हाइपरबोलिक स्क्वायर vt अपॉन g। तो ये रिलेशन किस किस में आ गया, x में और t में। तो हमने कौन कौन से रिलेशन फाइंड किए, हमने स्मॉल v और t में रिलेशन फाइंड किया, हमने स्मॉल v और x में रिलेशन फाइंड किया, हमने x और t में रिलेशन फाइंड किया। तो तीनों जो पॉसिबल वेरिएबल में रिलेशन थे वो फाइंड कर लिए हमने, तो इसका मतलब हमने इसका मोशन डिस्क्राइब कर लिया है। स्टूडेंट्स, जिस तरीके का डेरिवेशन मैंने अभी आपको कराया, ऑलमोस्ट उसी तरीके का डेरिवेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो पहले ही जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो थी एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, पार्टिकल भी नीचे की ओर आ रहा है और वो जाएगा वही रहेगा, और एम जी भी उसके एक्स के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लग रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, माइनस एम के वी, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के वी। इसके आगे के स्टेप्स बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको कभी डेरिवेशन किया कराया, उसी तरीके से आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, और आपको अलग अलग वेरिएबल में जैसे मैंने रिलेशन फाइंड किए थे वैसे ही आपको रिलेशन फाइंड करने हैं।